नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं चंद्र सेन आप लोगों को, चलिए ये 32 इंच का LED TV है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने इस LED TV को मैंने चालू किया हूँ और स्टैंड बाई से रिमूव कर रहा हूँ। चलिए आप देख पा रहे हैं, इसमें जो बैक लाइट है वो जल चुका है, पर कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। और देख लीजिए, ये इसका जो बैक लाइट है वो ऑन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं सभी तरफ इसका जो बैक लाइट है वो पूरे तरीक़े से ऑन हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं इसका प्रॉब्लम को आप लोगों के सामने चेक करता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। इस बीमारी के लिए इसमें पानी पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसके चारों तरफ को अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, मोबाइल से आप लोगों को भी दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पानी पड़ा हुआ था। इसके सभी वोल्टेज को मैं मेजर कर चुका हूँ, वोल्टेज नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कोप IC जला हुआ है, यहीं से जला हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, पानी की वजह से यहाँ जल चुका है। अब इसे कैसे ठीक करें? अब हमारे पास तो वाइंडिंग मशीन नहीं है जिससे हम इस कोप IC को चेंज कर दें, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए दोस्तों, हम इस प्रिंट को देखते हुए इस स्केल पट्टी तक आएंगे। इस प्रिंट को देखते हुए जितना में पानी पड़ा हुआ है उतने को प्रिंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और उस प्रिंट जितने भी कोप IC लगा हुआ है स्केलर पट्टी में, उस उतने को अच्छे तरीके से ब्लेड की सहायता से, या आप देख पा रहे हैं हम मैं ब्लेड की सहायता से अच्छे तरीके से उतने प्रिंट को उखाड़ रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। आपके सुविधा अनुसार आपके पास जो भी कंपोनेंट हो उससे इस पर प्रिंट को देखते हुए ऐसे करें, अधिक न कम उतना ही निकालें जितना आवश्यक हो। और आप देख पा रहे हैं, मैं इसे निकाल चुका हूं, रिमूव कर चुका हूं उतना को जितना जला हुआ है। और चलिए आप लोगों के सामने एक बार इसमें लाइन देकर देखते हैं कि ये ठीक हुआ कि इसमें और कुछ प्रॉब्लम है। स्टैंड बाई से रिलीज़ करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें और कुछ सिम्टम तो नया नहीं है। चलिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं जो हमारा LED TV में जो प्रॉब्लम था वो इसी प्रिंट को IC के जल जाने से, बर्न हो जाने से हुआ था। अब आप देख पा रहे हैं, नो सिग्नल का सिम्टम आ चुका है, ग्राफिक्स आ चुका है। कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे ठीक कर लिया हूँ। और इस कोने पर थोड़ा सा लकीर आप देख पा रहे हैं, ये लकीर इस कट करने की वजह से आ रहा है, पर हमारे पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है जिससे इस कोप IC को हम चेंज करें। उससे अच्छा है जितना हो सके उतना हम कर दिए हैं, अपने से जितना बन पड़ा हमने किया है। आप देख पा रहे हैं, इतना में हमारा जो काम है वो चल सकता है, तो हम बॉन्डिंग मशीन का खर्चा क्यों करें। चलिए दोस्तों, जिस स्थान को मैंने कट किया हूँ वो जुड़े ना, चिपके ना, इसके लिए बीच में कोई भी सादा पेपर ले लीजिए आपके पास पड़ा हो, जैसा भी हो, और उसे आप देख पा रहे हैं मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, उसी तरीके से आप उसके स्थान पर बैठा दीजिए जितना कट किए हो उतने में, और ऊपर से एक टेप चिपका दीजिए ताकि ये कहीं उड़े ना, खिसके ना, क्यों थोड़ा सा भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा भी गलती बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। मेरे दोस्तों, जितना अच्छे तरीके से, जितने सफाई से आप काम करोगे, रिजल्ट उतना नज़दीक आपका होगा। आप देख पा रहे हैं, कोप IC उखड़े ना, निकले ना, इसलिए
मैं इसके इस स्थान पर इसे अच्छे तरीके से सेट करने के लिए इसमें टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जितने सफाई से आप काम करोगे, जितना आपके काम में सफाई होगा, रिजल्ट उतना अच्छा होगा। इसीलिए काम करते समय पूरा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर उस कंपोनेंट पर ध्यान रखें, जिससे आपकी कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। क्या है, पलटते समय या कुछ करते समय कोप आईसी निकल जाते कहीं से या फट जाते, इसके लिए मैंने इस स्थान पर आप देख लिए हैं टेप लगा चुका हूँ। अब एक बार और चालू करके देख लेते हैं, कहीं मतलब मैं टेप लगाया हूँ उसमें चिपक तो नहीं गए हैं, कहीं और कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ नया सिम्टम तो नहीं है, पर नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं जो हमारा एलईडी टीवी है वो ओके हो चुका है, पूरे तरीके से ओके हो चुका है। और जो आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाएँ वो तो उतना आएगा ही, पर इतने में हमारा काम चल सकता है, आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे पैक कर लिया हूँ, जो डिस्प्ले ओपन था उसे मैं पैक कर लिया हूँ, और इसमें LVDS वायर और बैक लाइट आप देख लीजिए ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं हो चुका है। अब चलिए आप लोगों के सामने मैं इसमें ऑडियो वीडियो का लीड लगा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। दूसरे कनेक्टर पर लगा कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इसमें भी नहीं आया है, कहीं इसमें चैनल का मोड तो नहीं है। चलिए देखते हैं, इनपुट दबाकर देखते हैं इसमें चैनल का मोड आया हो। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये टीवी चैनल का मोड में है, तो हम क्या करते हैं, रिमोट तो दिए नहीं है, तो बटन से इसमें हम ए भी के मोड में पहले कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं इसमें ए भी टू में कर लिया हूँ, और जो हमारा जैक था वो ए भी वन में था, तो चलिए उसे भी ए भी टू में लगा दे रहे हैं। चलिए देख पा रहे हैं दोस्तों, ए भी टू में मैं लगा दे रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो एलईडी टीवी है वो पूरे तरीके से ओके हो चुका है। मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।